हाय एवरीवन, यहाँ पर हम लीट कोड का क्वेश्चन वर्ड लैडर सॉल्व कर रहे हैं। ये एक हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन है एंड ये बेस्ड है ग्राफ ट्रावर्सल्स पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक बिगिन वर्ड गिवन है एंड आपको एक एंड वर्ड गिवन है। आपको क्या करना है, बिगिन वर्ड से एंड वर्ड पे ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन का जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से रहता है कि आप बिगिन वर्ड से किसी दूसरे वर्ड पे जा सकते हो फ्रॉम द वर्ड लिस्ट, ठीक है। बिगिन वर्ड से आप दूसरे वर्ड पे जा सकते हो जो कि बिलोंग करता है वर्ड लिस्ट में, बट वर्ड लिस्ट का भी ऐसे वर्ड पे ही जा सकते हो जिस वर्ड के बीच में और बिगिन वर्ड के बीच में क्या हो, सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस हो। तो अगर आप देखो हिट और हॉट के बीच में सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, दैट इज सेकेंड लेटर, ठीक है। यहाँ पर आई और यहाँ पर क्या है, ओ, ठीक है। तो आप हिट से हॉट पे जा सकते हो, ठीक है। हिट से आप और कोई दूसरे वर्ड पे नहीं जा सकते बिकॉज बाकी सारे वर्ड्स के बीच में क्या है, दो से ज्यादा लेटर्स का डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे ही आप डॉट से हॉट पे जा सकते हो, वाई, बिकॉज इन दोनों के बीच में भी क्या है, सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है। डॉट से डॉग पे भी जा सकते हो बिकॉज इन दोनों के बीच में भी एक ही लेटर का डिफरेंस है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है, हिट से कॉक पर जाना है, ठीक है। तो कैसे जा सकते हैं आप, देखो हिट से आप चले जाओ हॉट पे, हॉट से आप चले जाओ लॉट पे, एंड देन लॉग एंड देन कॉग। तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपकी सीक्वेंस का लेंथ कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी बनती है, आप हिट से चले जाओ हॉट पे, हॉट से चले जाओ डॉट पे, डॉट से फिर लॉट पे, एंड लॉट से लॉग एंड देन कॉग। अगर आप देखोगे तो सारे एडजेसेंट वर्ड्स के बीच में सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, ठीक है। हॉट से डॉट में सिर्फ फर्स्ट लेटर का डिफरेंस है, डॉट से लॉट में भी फर्स्ट लेटर का, इन दोनों के बीच में लास्ट लेटर का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में फर्स्ट लेटर का। तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई, 6, ठीक है। आपको क्या बतानी है, शॉर्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस की लेंथ बतानी है, तो दैट मीन्स शॉर्टेस्ट क्या है, 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है हिट से आप किन किन वर्ड्स पे जा सकते हो। हिट से अगर मैं पहला वर्ड चेंज करूं, पहला लेटर चेंज करूं, तो मैं क्या क्या बना सकती हूँ, एट बना सकती हूँ, बिट बना सकती हूँ, सिट बना सकती हूँ, डिट बना सकती हूँ, एंड सो ऑन टिल जिट। वाई टिल जिट, बिकॉज यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सारे वर्ड्स जो हैं वो लोअर केसेस लेटर्स से बने हुए, किससे बने हुए, लोअर केसेस लेटर्स, लोअर केसेस मीन स्मॉल लेटर्स से। तो यहाँ पर स्मॉल लेटर्स ए से लेके जेड तक ही हो सकते हैं, तो आप ए से लेके जेड तक सारी पॉसिबिलिटीज रख दीजिए, ठीक है। एच आई टी एच नहीं रखेंगे बिकॉज वो वापस से वही बन जाएगा, तो एच आई टी नहीं रख सकते, ठीक है। तो पहले लेटर को अगर मैं चेंज करूं तो मेरे पास 25 पॉसिबिलिटीज है, राइट। ऐसे ही मैं दूसरे लेटर को चेंज करके वर्ड्स बना सकती हूँ, एच ए टी हैट, एच बी टी, एच सी टी, एच डी टी, एंड सो ऑन टिल एच जेड टी, ठीक है। इसमें अगेन एच आई टी को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी भी 25 पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है। ऐसे ही मैं थर्ड लेटर को चेंज कर सकती हूँ, दैट इज एच आई ए, एच आई बी, एच आई सी, एंड सो ऑन टिल एच आई जेड, ठीक है। तो इसकी भी टोटल 25 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास कितनी आ गई, 25 × 3। अगर इसकी लेंथ और ज्यादा होती तो और ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, मैक्सिमम लेंथ किसी भी वर्ड की क्या हो सकती है, 10 हो सकती है, मैक्सिमम लेंथ 10 हो सकती है। तो एट मैक्स आपके पास 250 वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। 25 × 10, दैट मीन्स 250 एट मैक्स पॉसिबल वर्ड्स आप बना सकते हो, ठीक है। अब इन वर्ड्स में से मैं हिट से क्या इन सारे वर्ड्स में जा सकती हूँ, नहीं। इसमें कंस्ट्रेंट क्या गिवन है, वो वर्ड जो होना चाहिए वो इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो हिट से मैं सिर्फ हॉट पे जा सकती हूँ जो कि इस वाले लाइन में कहीं ऊपर एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। हिट से मैं सिर्फ हॉट पे जा सकती हूँ, ठीक है। तो आपको यहां से पता चल गया, आप हिट से हॉट पे जा सकते हो, ठीक है। एंड आप हॉट से हिट पे भी जा सकते हो, इसलिए मैंने इसको कैसे बनाया, बाई डायरेक्शनल एज बनाई है, ठीक है। ऐसे ही आप हॉट से किस किस पे जा सकते हो, अगर आप देखो तो हॉट से आप बहुत सारे पॉसिबल केसेस पे जा सकते हो। हॉट से भी आपके पास एट द मैक्स 25 × 3 केसेस बन सकता है, बट वो सारे केसेस पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करने वाले कौन कौन से है, हॉट से आप डॉट पे जा सकते हो या फिर लॉट पे जा सकते हो, ठीक है। हॉट से आप डॉट पे या फिर लॉट पे, ठीक है। डॉट और लॉट से भी आप इंटरचेंज कर सकते हो बिकॉज इन दोनों के बीच में भी सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, ठीक है। लॉट से आप किस पे जा सकते हो, लॉग पे, लॉग जो है वो अपनी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
डॉट से आप जा सकते हो डॉग पे, और ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं। लॉग से आप कॉग पे जा सकते हो, ठीक है, एंड डॉग से भी आप किस पे जा सकते हो, कॉग पे। तो आपका ओवरऑल ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपके पास हिट से कॉग पे जाने का, क्योंकि एंड वर्ड क्या है आपका कॉग, तो हिट से कॉग पे जाने के 3-4 पाथ हैं। अगर आप देखो तो पहला पाथ ये है हिट से हॉट, हॉट से लॉग, लॉग से कॉग एंड लॉग से कॉग। तो इस वाले पाथ में आपकी लेंथ क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। दूसरा पाथ क्या हो सकता है, हिट से हॉट, हॉट से डॉट, डॉट से लॉट, लॉट से लॉग एंड लॉग से कॉग, ठीक है। तो इस वाली लेंथ की पाथ कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और भी बहुत सारे केसेस है, बट आपको क्या बताना है, मिनिमम लेंथ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो अगर आप इस केस में देखो तो आपके पास एक ग्राफ है, एंड ग्राफ में सारी एजेस कैसी है, अनडायरेक्टेड है, सारी एजेस कैसी है, अनडायरेक्टेड एंड अनवेटेड, ठीक है, अनवेटेड भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि इक्वल वेट की एजेस है। तो इस केस में आप सिंपली क्या लगा सकते हो, BFS लगा सकते हो, बिकॉज BFS आपको क्या देता है, रूट नोड से हर दूसरे नोड के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ अनवेटेड एजेस और इक्वली वेटेड एजेस, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लगा सकते हो, आराम से BFS लगा सकते हो, एंड आपको रूट नोड से एंड नोड के बीच का क्या मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा, ओके। तो एक पॉइंट यहां पर क्या हो गया, या तो आप पहले अपना ग्राफ पूरा बना लो, बट वो थोड़ा बनाना डिफिकल्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम जब BFS लगाएंगे तो हमें पता है कि रूट नोड तो हिट ही है, रूट नोड तो हमको गिवन है बिगिन वर्ड। तो BFS लगाते टाइम हम हर नोड के कोरिस्पॉन्डिंग एडजेसेंट नोड्स निकालते जाएंगे, ठीक है। हम प्री कैलकुलेटेड हमारा ग्राफ नहीं बना के रखेंगे, बल्कि BFS के टाइम ही हर नोड के कोरिस्पॉन्डिंग क्या क्या एडजेसेंट नोड्स हो सकते हैं वो कैलकुलेट करके करते रहेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि आपको पता है आपका नोड है हिट, ठीक है। अब हिट नोड से आपको पता है आप किस किस नोड्स पे जा सकते हो जो कि डिक्शनरी में एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला मेथड क्या है, तो पहला मेथड क्या है, आप डिक्शनरी में सारे वर्ड्स पे इटरेट करो एंड एक एक वर्ड पे जाके चेक करो। मान लीजिए मैं डॉग पे गई और मेरा बिगिन वर्ड था हिट, ठीक है। अब मैं डॉग और हिट को कंपेयर करूंगी, डॉग और हिट को कंपेयर करूंगी कि इन दोनों में कितने लेटर्स का डिफरेंस है। अगर मैं देखूं तो यहां पर 3 लेटर्स का डिफरेंस है, ठीक है। दैट मींस मैं हिट से डॉग पे नहीं जा सकती, ठीक है, इन दोनों के बीच में एच नहीं होगी। दैट मींस ये दोनों क्या एडजेसेंट नोड्स नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे एक एक वर्ड पे, लिस्ट के एक एक वर्ड पे जाके चेक करूंगी, ठीक है, कि हर वर्ड के बीच में और बिगिन वर्ड के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने लेटर्स का डिफरेंस है, ओके। सो फॉर ईच वर्ड इन वर्ड लिस्ट चेक लेटर डिफरेंस, ठीक है। तो इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, आप क्या कर रहे हो, पूरी वर्ड लिस्ट पे इटरेट कर रहे हो। तो मान लीजिए अगर आपकी वर्ड लिस्ट की लेंथ है n, तो आप n टाइम्स इटरेट कर रहे हो, ठीक है। आप इटरेट कर रहे हो तो आपको एक एलिमेंट मिला, एक वर्ड मिला वर्ड लिस्ट में ये, और आपका बिगिन वर्ड था हिट, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा, तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक लेटर चेक करना पड़ेगा, इन दोनों के एक एक लेटर्स को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक लेटर को कंपेयर करने के लिए एटमैक्स इटरेशंस कितने लगेंगे, 10, बिकॉज हर वर्ड की एटमैक्स लेंथ कितनी हो सकती है, 10, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन इंटू 10, ठीक है। एन की वैल्यू एटमैक्स यहाँ पर गिवन है 5000, ठीक है, क्वेश्चन में एन की वैल्यू एटमैक्स गिवन है 5000। तो आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर इन द वर्स्ट केस क्या लग सकती है, 5 × 10⁴, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या कर सकते हो आप, आपको पता है हिट से सारे पॉसिबल वर्ड्स एटमैक्स कितने हो सकते हैं, 250, ठीक है, टोटल 250 वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, 250 के 250 वर्ड्स बना दो, उनको बनाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होगी, 250 ही होगी, ठीक है। तो टोटल 250 वर्ड्स आप बना लो, क्रिएट ऑल पॉसिबल वर्ड्स, ठीक है, उसके एटमैक्स 250 वर्ड्स हो सकते हैं एंड उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, 250। अब आपके पास 250 वर्ड्स आ गए, बट आप क्या उनके बीच में एच कंसिडर कर सकते हो, नहीं। तो 250 वर्ड्स बनाने के बाद आप हर वर्ड के लिए चेक करो कि वो वर्ड डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था, हिट से आप एट भी बना पा रहे हो, बिट भी बना पा रहे हो, सिट भी बना पा रहे हो, बट क्या इन पर हम एजेस मान सकते हैं, क्या इन दोनों के बीच में हम एजेस मान सकते हैं, नहीं। व्हाई, बिकॉज एट, बिट और ये सारी वर्ड्स जो है ये डिक्शनरी में
एग्जिस्ट डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम इनके बीच में एच नहीं बनाएंगे. ओके, सो आफ्टर क्रिएटिंग ऑल पॉसिबल वर्ड्स व्हाट वी हैव टू डू, चेक इफ इट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी और नॉट. ठीक है, तो ये दो मेथड्स आपको दिख गए. यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, सारे पॉसिबल वर्ड्स क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, एक एक वर्ड के एक एक लेटर पे जाओगे, बिगिन वर्ड के एक एक लेटर पे जाओगे. ठीक है, एट मैक्स लेटर्स कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं. ठीक है, और हर पोजीशन पे आप कितने लेटर्स रख सकते हो, 25 लेटर्स रख सकते हो. ठीक है, तो एट मैक्स आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 250. ठीक है, तो दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इटरेशंस किस में कम है, इटरेशन सेकेंड मेथड में कम है, तो हम क्या चूज करेंगे, सेकेंड वाला मेथड वी विल प्रेफर. ओके, ठीक है, तो सेकेंड वाले केस में इटरेशंस हमको कम यूज करने पड़ रहे हैं, तो हम सेकेंड वाला मेथड यूज करके हमारे बीएफएस के टाइम ही हम क्या चेक करेंगे कि कौन सा एडजेसेंट नोड्स होंगे. अब जैसे हमको एडजेसेंट नोड मिल जाता है, हम क्या करते हैं, उसको क्यू में पुश कर देते हैं. ओके, तो इसके बाद हम क्या लगा देंगे, बीएफएस लगा देंगे. ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्यूडो कोड. हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, बीएफएस लगा रहे हैं, तो हमें क्यू मेंटेन करनी होगी. ओके, तो मेंटेन क्यू. ठीक है, अब क्यू में हम क्या पुश कर रहे हैं, अब क्यू में हम क्या डाल रहे हैं, नोड्स डाल रहे हैं. ठीक है, और नोड्स किससे रिप्रेजेंटेड है, वर्ड से. तो क्यू के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, स्ट्रिंग्स डाल रहे हैं, तो क्यू कैसी होगी, स्ट्रिंग्स की होगी. ठीक है, क्यू में एलिमेंट्स कैसे होंगे, स्ट्रिंग के होंगे. ठीक है, आफ्टर दैट आप यहाँ पर एक चीज कर रहे हो, आप जब सेकेंड मेथड चूज कर रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप चेक कर रहे हो कि आपका वर्ड जो है, आपने जितने भी पॉसिबल वर्ड्स बनाए हैं वो सारे वर्ड्स डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, तो आप ये चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, एक मैप बना सकते हो. ठीक है, तो आप ये सारे वर्ड्स का एक मैप बना सकते हो जो आपको बता देगा कि ये वर्ड्स डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बना सकते हो, मैप, मैप ऑफ ऑल डिक्शनरी वर्ड्स. सो दैट क्या होगा, आप ओवन में, ठीक है, ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप चेक कर पाओगे कि मेरा ये जो वर्ड है वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. ठीक है, तो ये चेक करने के लिए ओवन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैप बना लेते हैं. ठीक है, तो ये दो चीजें बन गई. इसके बाद आप क्या करते हो, बीएफएस लगाते हो. तो बीएफएस लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, रूट नोड को क्यू में पुश करना होता है. राइट, सो रूट नोड पुश टू क्यू. ठीक है, रूट नोड आपने क्यू में पुश कर दिया, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको विजिटेड मार्क करते हो, ताकि आप किसी साइकिल में ना फंसो. आप क्या करते हो, हर नोड के कोरिस्पॉन्डिंग विजिटेड फ्लैग रखते हो. ठीक है, अब अगेन यहां पर नोड्स किस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, नोड्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय नंबर. नोड्स कैसे रिप्रेजेंटेड है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में. ठीक है, तो आप यहाँ पर एक सिंपल एरे नहीं बना सकते हो, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक मैप बना सकते हो. ठीक है, मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट, मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट. इससे क्या होगा, आपको पता लगता रहेगा कि आपका स्ट्रिंग, दैट मीन्स आपका पर्टिकुलर नोड विजिटेड है या नहीं है. ठीक है, अगर विजिटेड नहीं होगा तो उस की क्या वैल्यू होगी, जीरो. ठीक है, और अगर विजिटेड होगा तो वैल्यू क्या होगी, वन होगी. ठीक है, सो मैं क्या बना दूंगी, यहां पर एक मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट. ठीक है, ये भी मैं मेंटेन रखूंगी, जिसको मैं नाम क्या दूंगी, विजिटेड. ठीक है, सो आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में विजिट मार्क करना है, रूट नोड को विजिटेड मार्क करना है. ठीक है, सो विजिटेड ऑफ रूट इज इक्वल्स टू वन. राइट, ये तीन स्टेप करने के बाद आप क्या करते हो, आप व्हाइल लूप लगाते हो, चेक करते हो कि आपकी क्यू एम्प्टी है या नहीं है. ठीक है, सो व्हाइल लूप टू क्यू, ये सिंपल जो बीएफएस का प्रोसेस है मैं बस वही कर रही हूँ. ओके, सो व्हाइल लूप टू क्यू, तो अगर वो एम्प्टी नहीं है तो आपका व्हाइल लूप चलता है, एंड उसमें आप क्या करते हो, टॉप एलिमेंट को निकालते हो. ओके, सो पॉप टॉप एलिमेंट फ्रॉम क्यू. ठीक है, तो आपने मान लीजिए स्टार्टिंग में हिट से स्टार्ट किया था, आप अपने बिगिन वर्ड को ही रूट नोड मानोगे एंड उससे स्टार्ट करोगे. ठीक है, तो आपका टॉप एलिमेंट कौन सा निकलेगा, हिट निकल गया. ठीक है, तो अभी आपके पास करंट एलिमेंट कौन सा है, हिट. ठीक है, सो करंट एलिमेंट is equals to top element which is hit currently. इसको मैं बोल देती हूँ top element of Q. ठीक है, अब आप क्या करते हो, अब आप क्या करोगे, hit के जितने भी adjacent nodes हैं उन सबको Q में push करते हो, but आपको पता ही नहीं है कि क्या adjacent nodes हैं. ठीक है, अभी तक तो आपने graph बनाया ही नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या देखे थे, दो methods देखे थे जिसमें हमने second method को choose किया था. तो अब हिट से मैं क्या करूंगी, सारे पॉसिबल वर्ड्स बना लूंगी, तो एट मैक्स 250 वर्ड्स बन सकते हैं. ठीक है, अगर लेंथ क्या हो, 10 की हो. ठीक है,
तो मैं सारे पॉसिबल वर्ड्स बना के देख लेती हूँ, ठीक है। सारे पॉसिबल वर्ड्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, हिट है ठीक है, आपका कोई वर्ड है तो आप क्या करोगे, पहले क्या करोगे, पहले लेटर को चेंज करके देखोगे, ओके। सो इटरेट ओवर ईच लेटर, इटरेट ओवर ईच लेटर, ठीक है। पहले लेटर पे गए, अब पहले लेटर पे आप क्या क्या रख सकते हो, आप रख सकते हो ए से लेके जेड तक सारी वैल्यूज, ए से लेके जेड तक सारी वैल्यूज एक्सेप्ट एच, ठीक है। तो आप फिर क्या करोगे, ट्राई टू पुट ईच एंड एवरी वैल्यू, ठीक है। पहले आप ए पुट करोगे, फिर बी पुट करोगे, फिर सी पुट करोगे, फिर डी पुट करोगे एंड सो ऑन, ठीक है। सो ट्राई टू पुट ऑल वैल्यूज फ्रॉम ए टू जेड एक्सेप्ट एच, ठीक है। तो सारी वैल्यूज पुट करोगे वन बाय वन, ठीक है। अब वन बाय वन पुट करके आपको वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको एट मिल गया, बिट मिल गया, सिट मिल गया, डिट मिल गया। अब इनमें से आप क्या करोगे, चेक करोगे कि ये सारे वर्ड्स आपके डिक्शनरी में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। सो चेक इफ वर्ड एग्जिस्ट इन डिक्शनरी और नॉट, और ये आप ओवन के अंदर चेक कर लोगे, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या यूज करा है, मैप यूज करा है। अगर आप ऊपर देखो तो मैप बनाया था हमने, ठीक है। तो ओवन में आप ये चेक कर लोगे, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिल गया, जैसे कि आपको कोई ऐसा वर्ड मिल गया जो डिक्शनरी में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, उस वर्ड को आप क्या करोगे, क्यू में पुश कर दोगे। बट क्यू में पुश करने से पहले आपको क्या कंडीशन चेक करनी होती है, कि वो वर्ड जो है वो अनविजिटेड भी होना चाहिए, ठीक है। सो चेक ए वर्ड एग्जिस्ट इन डिक्शनरी और नॉट, इफ यस एंड इट इज अनविजिटेड, इट इज अनविजिटेड, तो आप क्या करोगे, इसको क्यू में पुश कर दोगे, क्यू डॉट पुश योर वर्ड। अब आपने दूसरा वर्ड अपनी डिक्शनरी में पुश कर दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हिट से आप हॉट को अपनी क्यू में पुश कर दोगे, ठीक है। अब आप हॉट पे जाओगे तो हॉट से आपको तीन वर्ड्स बना सकते हो, हिट बना सकते हो, डॉट बना सकते हो, लॉट बना सकते हो। बट हिट क्या है, हिट ऑलरेडी जो है वो विजिटेड है, इसलिए आप उसको क्यू में पुश नहीं करोगे, एंड डॉट एंड लॉट को आप क्या कर दोगे, क्यू में पुश कर दोगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें करना क्या था, अब हमें ये पता लगाना था कि जब मैं कॉग तक जाऊं, मेरे एंड वर्ड तक क्या लेंथ हो जाएगी, मिनिमम ट्रांसफॉर्मेशन की लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पर हमने कहीं भी लेंथ तो स्टोर ही नहीं करी है, बट अगर आप देखो तो अगर हिट जो है वो लेवल वन पे है, ठीक है, हिट का क्या है लेवल वन, ठीक है, हॉट का क्या हो जाएगा लेवल टू बीएफएस के टाइम, ठीक है, डॉट एंड लॉट का क्या हो जाएगा लेवल थ्री, ठीक है, डॉग एंड लॉग इन दोनों का लेवल क्या हो जाएगा लेवल फोर, एंड कॉग का लेवल क्या हो जाएगा फाइव, ठीक है। तो यहां पर आप देखो तो हर नोड का जो लेवल होगा ड्यूरिंग द बीएफएस वही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट नोड से उस नोड पे आने तक की ट्रांसफॉर्मेशन की लेंथ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस की लेंथ। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, हर नोड के कोरिस्पॉन्डिंग उसका लेवल भी स्टोर कराते जाएंगे, ओके। तो यहां पर स्टार्टिंग जब रूट नोड से करी तो आप रूट नोड को ना पुश करके आप क्या को पुश करोगे, एक पेयर पुश करोगे ऑफ द रूट नोड कॉमा लेवल, ठीक है। सो रूट नोड कॉमा स्टार्टिंग लेवल क्या है वन, ये पेयर आप अपनी क्यू में क्या पुश कर दोगे, ठीक है। एंड जब आप किसी चिल्ड्रन को पुश कर रहे हो तो क्या करोगे, पेरेंट का लेवल प्लस वन, ठीक है, पेरेंट का लेवल प्लस वन आप क्या करोगे, क्यू में पुश करोगे, ओके। आफ्टर दिस आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आपका एंड वर्ड मिले आपको क्या कर देना है, लेवल को रिटर्न कर देना है, ओके। तो जब आपको करंट एलिमेंट, इफ योर करंट एलिमेंट इज इक्वल्स टू योर एंड वर्ड जहां पर आपको पहुंचना था, तो इस केस में आप क्या कर जाओगे, रिटर्न कर दोगे अपना लेवल। वन थिंग टू नोट हेयर इज, ऐसा हो सकता है कि ये जो एंड वर्ड है यहाँ पर जो कॉक था, हो सकता है डिक्शनरी में प्रेजेंट ही ना हो, तो ये कंडीशन आप स्टार्टिंग में ही चेक कर लो कि एंड वर्ड जो है अगर वो आपकी डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है तो सीधा सीधा क्या कर दो, माइनस वन रिटर्न कर दो, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्यू के अंदर एटमैक्स कितने वर्ड्स जा सकते हैं, क्यू के अंदर जितने भी डिक्शनरी में पॉसिबल वर्ड्स होंगे वो सारे जा सकते हैं, राइट। तो क्यू का जो वाइल लूप है वो कितनी बार चलेगा, एन टाइम्स, अगर आपकी एन क्या है, साइज ऑफ द डिक्शनरी, ठीक है, साइज ऑफ वर्ड लिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं,
अब हर टाइम जब भी हम क्यू के अंदर कोई एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके पॉसिबल चाइल्ड्स बना के देख रहे हैं, राइट। तो पॉसिबल चाइल्ड्स कितने हो सकते हैं, पॉसिबल चाइल्ड्स कितने हो सकते हैं अगर आप देखो, तो अगर हिट था तो उसके एक एक लेटर पे जाकर हम 25 पॉसिबल वर्ड्स बना सकते हैं, राइट। सो 25 इंटू एम, वेयर एम इज द साइज ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। सो एम इज द साइज ऑफ बिगिन वर्ड, ठीक है, 25 इंटू एम, तो ये आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। बाकी सारी चीजों का आप देख सकते हो ओवन टाइम है, डिक्शनरी में चेक करने का भी ओवन टाइम है, एंड क्यू में पुश करने के लिए भी ओवन टाइम लगेगा, इसलिए आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्यू में जो स्पेस जाएगी वो एक रहेगी, और एक विजिटेड का मैप बनेगा, और एक मैप ऑफ ऑल डिक्शनरीज बनेगा, राइट। ये सारे आपके स्पेस यूज करेंगे। विजिटेड डिक्शनरी का जो मैप बनेगा वो होगा एन साइज का, ठीक है, ठीक है। डिक्शनरी का वो सारे वर्ड्स का मैप बनेगा, और फिर हर वर्ड विजिटेड है या नहीं है उसका भी एक मैप बनेगा, वो भी किसका, इसका होगा एन साइज का, ठीक है। एंड क्यू की एट द वर्स्ट केस साइज क्या हो सकती है, एन। तो यहां पर आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन। सो लेट अस ट्राई टू कोड दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें दो मैप्स बनाने थे, ठीक है। पहले मैप क्या होगा, स्ट्रिंग कॉमा इंट का, जो हमें ये बताएगा कि कोई पर्टिकुलर वर्ड डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है, ये क्या बताएगा। एक दूसरा मैप बनाएंगे हम स्ट्रिंग कॉमा इंट का, जो कि क्या स्टोर करेगा, एक विजिटेड फ्लैग स्टोर करेगा हर नोड के कॉरेस्पॉन्डिंग, ओके। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं मेरी डिक्शनरी को पॉपुलेट कर देती हूँ, ओके। सो वो कैसे पॉपुलेट होगी, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन ऑल द वर्ड लिस्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस, ये सारे वर्ड्स हैं जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो डिक्शनरी ऑफ वर्ड लिस्ट ऑफ आईएथ एलिमेंट को मैं क्या कर देती हूँ, वन मार्क कर देती हूँ। तो जो भी वर्ड डिक्शनरी में अगर प्रेजेंट होगा तो उसकी डिक्ट वैल्यू क्या होने वाली है, उस वर्ड की डिक्ट वैल्यू क्या होने वाली है, वन, ठीक है। और अगर वो डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो, ओके। तो यहाँ पर हमने हमारी डिक्शनरी को पॉपुलेट कर दिया, ओके। आफ्टर दिस मुझे पहली कंडीशन क्या चेक कर लेनी चाहिए कि मेरा एंड वर्ड, इफ माय एंड वर्ड इज प्रेजेंट इन डिक्शनरी और नॉट, तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, डिक्ट वैल्यू ऑफ डिक्ट ऑफ एंड वर्ड इज इक्वल्स टू जीरो, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, मतलब कि वो डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न जीरो, ओके। तो इन दैट केस रिटर्न जीरो इफ नो सच सीक्वेंस एग्जिस्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, BFS लगाना है। तो BFS लगाने के लिए हमें Q मेंटेन कर रहे थे, और Q में हम क्या पुश कर रहे थे, Q में हम स्ट्रिंग पुश कर रहे थे, और स्ट्रिंग के साथ साथ हर नोड के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लेवल भी स्टोर कर रहे थे। अगर आपको याद हो तो एक्सप्लेनेशन में हमने यही देखा था कि हर नोड के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर नोड जो है वो स्ट्रिंग से रिप्रेजेंटेड है, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लेवल भी स्टोर कर रहे थे, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या बनाऊँगी, एक पेयर, पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट, ओके, क्यू, ठीक है। इसमें अब मैं रूट नोड पुश करूंगी, और रूट नोड का लेवल क्या रहने वाला है, वन, ओके। सो मेक पेयर ऑफ रूट नोड, रूट नोड की वैल्यू क्या है, बिगिन वर्ड, बिगिन वर्ड को रूट नोड मान के स्टार्ट करना है, और स्टार्टिंग का लेवल वन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको विजिटेड भी मार्क करना है, सो विजिटेड ऑफ बिगिन वर्ड इज इक्वल्स टू वन, तो ये विजिटेड मार्क हो गया। अब मुझे क्या करना होता है, चेक करना होता है इफ़ माई क्यू इज एम्प्टी और नॉट। सो वाइल माई क्यू इज नॉट एम्प्टी, वॉट शुड आई डू, आई शुड पॉप द टॉप एलिमेंट, ओके। तो एलिमेंट कैसा होगा, पेयर की फॉर्म में निकलेगा, सो पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट करंट एलिमेंट इज इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट, एंड इसी को मैं पॉप भी कर देती हूँ, सो क्यू डॉट पॉप। आफ्टर दिस मुझे क्या करना होता है, इसके बाद मुझे लेवल मिल जाता है, लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। और करंट नोड, ठीक है, करंट नोड किससे रिप्रेजेंटेड है, स्ट्रिंग से, तो करंट वर्ड या नोड कह लो, करंट नोड इज इक्वल्स टू, करंट नोड इज इक्वल्स टू करंट का फर्स्ट एलिमेंट, राइट। तो आपको ये दो वैल्यूज मिल गई, लेवल और नोड मिल गया। अब क्या करना होता था, जैसे कि आपका नोड क्या था, अभी हिट था, तो आपके इसके सारे पॉसिबल वर्ड्स बनाने होते थे, ठीक है। तो इस नोड के सारे पॉसिबल वर्ड्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे फॉर लूप लगाते हैं, सो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन नोड डॉट लेंथ, ठीक है, इसके हर एक एक लेटर पे जाएंगे, ठीक है, सो नोड डॉट लेंथ, ठीक है।
अब क्या करेंगे, एक नया वर्ड बनाएंगे, स्ट्रिंग वर्ड इज इक्वल्स टू नोड, क्योंकि इस नए वर्ड के, दिस इज द न्यू वर्ड, लेट मी कॉल इट न्यू वर्ड, ठीक है। अब इस न्यू वर्ड के सारे लेटर्स जो होंगे वो इस नोड के बराबर ही होंगे, पेरेंट नोड से सेम ही होंगे, बस एक लेटर डिफर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैंने इसको पेरेंट नोड के बराबर कर दिया, ठीक है। अब वो कौन सा लेटर डिफर करना है वो मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसके आईएथ लेटर को डिफर करना है, ठीक है। अब मुझे उसके सिर्फ आईएथ लेटर को चेंज करना है, ठीक है। अब आईएथ लेटर क्या क्या हो सकता है, इंट जे इज इक्वल्स टू 0 से लेके 26 तक, 0 से लेके 26 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो उसका आईएथ लेटर क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। सो इंट लेटर, ओके सॉरी, सो कैर लेटर इज इक्वल्स टू ए प्लस जे, इससे आपको क्या मिल जाएगा, न्यू लेटर मिल जाएगा, ठीक है। ए में प्लस जे करेंगे तो ए प्लस 0 ए प्लस 1 बी, ए प्लस 2 सी, ओके। तो इस मैनर में आपको सारे 26 के 26 लेटर्स मिल जाएंगे। अब आप क्या करोगे, ये वाला आईएथ पोजीशन पे ये वाला लेटर को रख दोगे, राइट। सो व्हाट विल आई डू, सो इस वर्ड की आईएथ पोजीशन पे मैं ये वाला लेटर को रख दूंगी, राइट। सो चेंज लेटर ऑन आईएथ पोजीशन विथ न्यू लेटर, ठीक है। तो न्यू लेटर हमारा क्या है, ये, ओके। तो मैंने इसको यहां पर रख दिया, ओके। इसके बाद मैं क्या चेक करूंगी, इफ माय न्यू वर्ड, ठीक है। तो न्यू वर्ड मेरा क्या है, दिस। सो इफ विजिटेड अ वर्ड इज इक्वल्स टू 0 एंड वो वर्ड क्या होना चाहिए, डिक्शनरी में एग्जिस्ट भी करना चाहिए। सो इफ वर्ड इज एग्जिस्ट इन डिक्शनरी, वर्ड एग्जिस्ट इन डिक्शनरी इज इक्वल्स टू 1, तो मैं क्या करूंगी, इसको क्यू में पुश कर दूंगी। सो क्यू डॉट पुश मेक पेयर ऑफ न्यू वर्ड विच इज वर्ड कॉमा लेवल प्लस 1, पेरेंट का लेवल से प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा था लेवल जो था पेरेंट का प्लस 1, ठीक है। और जब आप क्यू में पुश करते हो तो आप उसको विजिटेड में मार्क करते हो, सो विजिटेड ऑफ वर्ड इज इक्वल्स टू 1, ओके। अब मुझे क्या करना था, एट दी एंड मुझे ये चेक करना है कि इफ मेरा जो नोड है अगर वो एंड वर्ड के बराबर हो जाता है किसी भी टाइम पे, तो मुझे सीधा सीधा क्या कर जाना है, रिटर्न लेवल, ओके। और ऐसा अगर कभी नहीं हो पाता है तो मुझे क्या करना है, रिटर्न 0, ओके। लेट अस ट्राई टू रन दिस, लेट अस सबमिट इट।